तो मैं रुका था गुरुद्वारे में, ठीक है ना, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, यहाँ मैं रात में गाड़ी है, दो दो दूसरा दिन में पलवाली की है, तुम्हें मुझसे मिल जाएगी, तुम्हें कैसे कैसे यहाँ पे आना होगा, कैसे घूमना क्या करके तुम याद गुजार सकते हो, कोई कैंसर वाली बात नहीं, आराम से जब पहुँचते हैं बस फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है पिछला वाला, ठीक है ना, उस वजह से मुझे वीडियो जल्दी बंद करना होगा, आगे से करते हैं। और लुधियाना हाईवे पर, ठीक है ना, और जो है हैप्पी जी छोड़ने आए हैं, अपनी दुकान छोड़ करके मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हैं। थैंक यू हैप्पी जी को कि आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा। एंड सचमुच यार पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, मतलब देखो उन्होंने अपना काम छोड़ के मुझे यहाँ छोड़ने और फिर दुकान खोलने जा रहे थे, दुकान छोड़ के मुझे छोड़ने छोड़ने आए, ठीक है ना। तुम भी यार ऐसे सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम आगे बढ़ रहे हैं सफर में, ओके। अभी हम फिर से हैं एक ट्रक में जा रहे हैं लुधियाना, जाता है मैंने कहा था। काफ़ी दूर पैर चलने के बाद ना मुझे बशीर भैया मिले, ठीक है ना, और उनके साथ जो है राजू भैया मिले, ठीक है ना, और हम इस ट्रक में जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ट्रक है यार, और इस ट्रक में जो है हम जा रहे हैं लुधियाना, ठीक है ना, और फिर ये वैसे जा रहे हैं कश्मीर, है ना, कश्मीर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे, वैसे मेरा मन कर रहा है एक बार मैं कश्मीर भी हो आऊँ, तो देखेंगे अगर मन किया तो कश्मीर भाग जाएंगे एक बार घूमने के लिए, घूमना ही तो है, ठीक है ना, तो कहीं भी घूमें हम। और मैं बाहर के फिलहाल मजे लो। यार देखो मैं अभी बैठा था, काफ़ी बातचीत हो रही है, तो मालूम पड़ा ना कि ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं मतलब सड़कों पर और बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि मतलब पुलिस वगैरह है ना, पुलिस वगैरह करके मतलब पूरा परेशान वगैरह करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मुकाबले के लिए यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ। बस मुझे ध्यान रखना कि मतलब ड्राइवर से कोई परेशानी ना हो, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस वाले से, यार अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो मुश्किल देखोगे, अगर आप लोग देखते हो तो रिक्वेस्ट करूँगा ना किसी प्रकार की ना प्रॉब्लम परेशानी ना हो, यार हाँ, और वैसे भी कश्मीर हेल्पफुल होते हैं इन्होंने बताया, और अभी शायद हो सकता हूँ कश्मीर भी जाए इसके बाद हम, तो वीडियो बने रहो, ठीक है ना, और आगे चलते हैं और मजे करते हैं। कश्मीरी फौजी और कश्मीरी ड्राइवर बिल्कुल सेम है, चौबीस घंटे की एक ही जगह रोना सोना एक ही जगह, देखो हर एक जगह ऐसे ही रहता है। देखो हमें 15 दिन हो गए, हम कलकत्ता से आए कम 15 दिन हो गए, 15 दिन में गाड़ी में खाना पीना बनाना कपड़े धोना हर एक चीज, लेकिन जितनी ड्राइवर को परेशानी है, जितनी परेशानी सामना करना पड़ता है उतना हाँ। किसी में नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि और हर एक पब्लिक हर एक चीज़ हर एक मतलब हिसाब किताब इस गाड़ी वालों के पीछे लगे हुए होते हैं, पब्लिक भी हर एक ट्रैफिक वाले भी पुलिस वाले भी हर एक चीज़ को सामना करना पड़ता है, जितना ड्राइवर को मतलब मैंने 1.5 लाख रुपये खर्चा किया है कलकत्ता टू श्रीनगर तक गाड़ी में, 15 दिन में खाली रुपये 30,000 बच गया, 30,000 2 लाख रुपये बुकिंग बनी, 1,70,000 खर्चा आया, और कमाई कितने, कमाई कुछ नहीं है, 30,000 रुपये 15 दिन 2 बंदे हैं और उसमें बैग भी है टायर भी है गाड़ी भी है। देखो
इतना ऊंचा है ये, और मैं खड़ा हूँ कैसे उतरूँ समझ नहीं आ रहा है। अभी ट्रक वाले भैया जो है रेस्ट करने गए हैं, और इसी में मेरी उंगली कट गई थी, ये देखो थोड़ा खून खून हो गया, ज़्यादा नहीं खून था, जाएगा था जम गया ये, ठीक है, लेकिन रेस्टिंग दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी में जो है मेरी उंगली दब करके जो है कट गई थी, तो बस हम खैर इतना तो चलता है। चलो आगे भैया भी आएंगे तो चलेंगे फिर आगे, क्या ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पर हाथ जाओ फॉलो कर लो भाई को फुल सपोर्ट। और यहाँ से हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि हम जा रहे हैं श्रीनगर, ठीक है ना, फाइनल है ये, हम श्रीनगर पहुँचेंगे, क्योंकि हमें वहाँ की खूबसूरत हसीन वादियाँ देखनी है, इसी बहाने वहाँ की भी सैर हो जाएगी, और वैसे भी जा रहे हैं तो चलो चलते हैं, ठीक है ना। तो सफ़र जो है थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि हम पूरी रात पूरा जो दिन है ना वो इसी ट्रैक में गुजारने वाले हैं, तो यार तुम वीडियो में बने रहो, एडवेंचर देखते रहो कि कैसे मैं पूरा दिन पूरी रात ट्रक ड्राइवर्स के साथ गुजारूंगा, कैसे ये दिन गुजरेंगे, कैसे ये रात गुजरेंगे, तो तुम वीडियो में बने रहो, एडवेंचर का मज़ा लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना, तुम्हें तो कैसे आना, किस प्रकार से आना, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे वीडियो में पता करूँगा, तो वीडियो में बने रहो और फोन करते रहो, मेरे साथ में चलते रहो। और एक बात हमेशा देखना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो, अपडेट मिस ना हो, तो इस वजह से वीडियो में बने रहो और फोन करते रहो, मज़ा करते रहो हमारे साथ, ओके। जम्मू जो है मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि लखनपुर है और हमारी गाड़ी जो है ट्रक में जो पेट्रोल में डीजल डाला जा रहा है, ठीक है ना, और ट्रक के मैंने जब पानी भर लिया है, मैंने पानी की जो भर लिया है वहाँ से वॉशरूम वगैरह भी पेट्रोल लिया हमने, लखनपुर है और नेटवर्क जो है अच्छा है, ठीक है ना। तो बड़े पानी इन्फॉर्मेशन फोन नंबर मिले यार, वीडियो भी खराब दे रखे रहेंगे, तो वीडियो में खड़े रहना और इसके बाद शुरू होती है खाना बनाने की प्रक्रिया, कि एक ट्रक ड्राइवर किस प्रकार से बस में, मतलब ट्रक में बैठे बैठे लीटर लीटर ट्रक में जिसमें आप पानी तक नहीं पी सकते, उसमें वो किस प्रकार से खाना बनाता है, मैं आपको सारे प्रोसेस दिखाऊंगा भाई साहब। मतलब मैं देख कर के ना हैरान था कि किस प्रकार से वो बाहर, पहले तो उन्होंने सारी चीज़ें चावल बनाई, चावल जो है इनकी 10 से 15 मिनट चावल रेडी हो गए, ठीक है ना, उन्होंने पनीर वगैरह कराया, पनीर वगैरह फ्राई किया, ठीक है, फिर प्याज वगैरह काटना शुरू किया, और सब कुछ इतनी स्पीड में कर रहे थे, सोच भी नहीं सकता मैं, ठीक है ना, और इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे, मेरे को तो लगा कि यार खाना बनने में कम से कम लग जाएंगे 2 घंटे, क्योंकि पहले जो कुकर था एक ही चूल्हा था, उसमें टाइम लगा देंगे पहले एक कुकर से फिर दूसरे चूल्हे से, लेकिन खाना जो है भाई साहब सही सलामत बन गया, क्या बताऊँ। देखो उन्होंने प्याज व्याज टमाटर वमाटर सब काट लिए थे, उधर पनीर जो है अभी फ्राई हो रहा है, और फिर फ्राई हो चुका है, मतलब कि और उन्होंने देखो पनीर की तरफ ब्लैक ब्लैक कर दिया, और इन्होंने जो है प्याज को टमाटर को और सबको जो है ये पनीर है जो उन्होंने फ्राई करके निकाल लिया ब्लैक ब्लैक, ठीक है ना, और इन्होंने मसाले इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है डालना शुरू कर दिया इसके अंदर, देख सकते हो, मतलब भाई साहब सब कुछ रेडी हो रहा है, पनीर रेडी है, वो कुक में पक रहा है, और ये खाना बनकर रेडी हो चुका था। मुझे लगा क्या थोड़ा सा वियर टेस्ट होगा, क्योंकि इन्होंने कढ़ाई में होता है खाना बनता है, लेकिन इन्होंने कुकर में बना दिया, और लिटरली भाई मैं वेट कर रहा था, वो खीरा काट रहे थे, मतलब मुझे भूख लगी थी, उन्हें भी एहसास हो गया था मुझे भूख लगी है, फिर हम दोनों बैठे खाना खाने, और खाना भाई साहब देखो जब इन्होंने खाना दिया ना, क्या ही लाजवाब टेस्टी खाना था, मतलब मैं बता नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता इतना टेस्टी खाना था। तो फाइनली जम्मू जो है ये छूट चुका है, हम कश्मीर में एंट्री कर चुके हैं, इसके साथ ही जो आज की हमारी रात है वो इसी ट्रक में कटने वाली है, तो बहुत ही एडवेंचरस था, तुम वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर सको।